लोकसभा चुनाव पास आते ही मतदाताओं की अपने सांसद से बहुत सी उम्मीदें हैं और वे चाहते हैं कि सांसद कोई भी पार्टी से संबंधित हो, लेकिन जो भी चुनकर आता है उसे अपनी संसदीय क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति चुनकर आता है तो उसे मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और उसे अपने क्षेत्र में चहुमुखी विकास करना चाहिए ताकि मतदाता उसे बदलने की ना सोचें। मतदाताओं ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि आज सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, जिसे दुरुस्त करना चाहिए। वहीं शिक्षा का सरेआम व्यापारीकरण हो रहा है, उस पर भी सांसद को अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी सांसद चुनकर आता है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पैसा योजनाओं में आ रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। वहीं शहरों का नवीनीकरण होना चाहिए और विकास की नई गाथा लिखनी चाहिए और शहर में विकास की क्रांति का संचार होना चाहिए। शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, लोगों को अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए। मेरा नाम केतन ठाकुर है और मैं सोलन का स्थायी निवासी हूं। आने वाले इलेक्शन में जो भी एमपी रहेगा या जिस मर्जी पार्टी का एमपी हो, हमारी उम्मीदें उनसे यही रहेंगी कि जिस तरह से भी काम पिछले 5 सालों में रुका हुआ है जिस भी क्षेत्र में, वो काम पूरी तरह से अच्छे तरीके से होने चाहिए। चाहे वो सड़क का मसला है या हॉस्पिटल का मसला है, जहाँ तक स्वास्थ्य का मसला है उसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। शिक्षा का मसला है जिसमें प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी मनमानी फीस वसूली जा रही है परिजनों से, और सड़कों की पूरे हिमाचल में काफ़ी खस्ता हालत है। और जैसे NH बन रहे हैं, जो भी नए NH बन रहे हैं उनका कार्य जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर हिमाचल में आते हैं उनके आने में और उनको यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। और शिक्षा में एक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी जिस तरह से रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं बच्चों के और रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी अगर इम्प्रूवमेंट हो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम महक है और मैं सोलन में रहती हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि इलेक्शंस हमारे यहाँ पे आने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं जो हमारा MP हो वो सबसे पहले हमारी सड़कों पर ध्यान दे। हमारी सड़कें, जिस तरीके से हमारी सड़कों का हाल है, बहुत बुरा हाल है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे सोलन का हॉस्पिटल, खासकर सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पर मतलब सफाई बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ के कर्मचारी भी बहुत कम है और वहाँ पे दवाइयाँ भी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे दवाइयाँ जितनी दवाइयाँ होनी चाहिए लिमिट उतनी है नहीं। और मैं ये जो आने वाले हमारे MP है उनको बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो सिटी हॉस्पिटल है हमारे सोलन का, प्लीज़ उसकी तरफ ध्यान दे। वहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो वहाँ के लिए डॉक्टर्स के लिए ज़रूर किसी को बोले कि डॉक्टर्स हो वहाँ। हम ये चाहते हैं कि कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जो आज के टाइम में बहुत ही मतलब सीरियस हो चुके हैं, जैसे सबसे नंबर एक नशा। आज का युवा नशा की तरफ ज़्यादा है और पढ़ाई लिखाई से पीछे भाग रहा है, ठीक है जी। नंबर दो पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है आजकल, और जेनरिक मेडिसिन हर एक बंदे तक मतलब आज के टाइम पर पहुँचनी मुश्किल है, जिसका कोई प्रावधान किया जा सके। और हमारी सड़कों का सुधार हो गाँव की तरफ, जो हमारी पंचायत को जितना पैसा मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट सैंक्शन करती है उतना लग नहीं पाता है। कुछ इस चीज़ों पर भी गांव पंचायतों में प्रधानों पर भी ध्यान दिया जाए। तो आने वाला MP हमारा जो भी हो, हमारी तरफ से गुड लक है, बेस्ट विशेज़ है, पर हम ये चाहेंगे कि वो इस तरीके से काम करे कि शहर एक नई क्रांति आए शहर में। जैसे कि आजकल आपको पता ही है जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, स्कूल्स है, एक बिजनेस की तरह काम कर रहा है ये। मतलब इसमें ज़्यादा पैसा कमाने का धंधा बन गया है ज़्यादा, और पढ़ाई वगैरह का लेवल उतना नहीं है, तो इन चीज़ों पे ज़रा थोड़ा ध्यान दिया जाए।